ये है मस्ती इंदा मोहर, दोनों सॉन्ग बड़े प्यारे और यही चैनल्स में इस वक्त चल रहे हैं, सभी चैनल्स में आज से। आपने देखा होगा पूरा हर कैरेक्टर बड़ा इंडिविजुअल, बहुत मजा देगा फिल्म। आपने संजय जी को बहुत जोरदार झांपड़ मारा, सबने देखा। ये हमारी पूरी टीम और मैं चाहूंगा नजीर बेटा बॉक्स दो। हाँ थोड़ी देर में राजपाल भाई ऑन द वे हैं, विद इन 15-20 मिनट राजपाल यादव जी भी आने वाले हैं, वो ऑन द वे हैं। बैठ बैठ बैठ, थोड़ा नीचे फ्रेम में आप भी आ जाइए सर। लाइफ है बोरिंग, थोड़ा तड़का लगा लो, म्यूजिक का मस्ती का मूड बना लो। लाइफ है बोरिंग, थोड़ा तड़का लगा लो, मॉल में आके थोड़ा तड़का लगा लो। वो देखो उधर देखो गई बेबी डॉल। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ये है लॉलीपॉप की सारी टीम को, मनोज जी डायरेक्टर हैं हमारे और प्रवीण भारद्वाज जी जिन्होंने म्यूजिक दिया है। मुझे दो गाने गाने का मौका मिला इसमें, एक मस्ती इन द मॉल जो कि बड़ा पैपी गाना है, जोशीला गाना है, मस्ती से भरा है, जैसे वर्ड्स ही डिस्क्राइब करते हैं कर लो मस्ती इन द मॉल। और दूसरा जो है वो है इश्क तू आबाद कर या इश्क तू बर्बाद कर, तो बहुत ही रोमांटिक और बहुत रूहानी गाना है, तो बहुत इसमें बहुत ही एक स्वीट सिंपल सीधा प्यारा सा बच्चा है जो एक सेल्समैन का किरदार प्ले कर रहा है और वो मॉल में कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही है, कैसे लोगों से अटैच होता है, फिर उनके बीच में कैसे प्रॉब्लम्स होती है, बस उसी के बारे में कहानी है, टोटल कॉमेडी। आप बताइए आपका किरदार बहुत अच्छा है, ऐसा आपको पता चल गया हमारा किरदार बहुत अच्छा है। प्रोमो में हम आप देख रहे हैं, प्रोमो में वैसे जो दिखाया गया है उसमें अच्छा है, मेरा कैरेक्टर इतना बाहर नहीं निकल रहा है और मुझे कहना भी नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर लिए बहुत कुछ सीखने मिलता है एज एन एक्टर एज एन इंडिविजुअल सारी चीज़ें। तो आई एम थैंकफुल के जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं इंडस्ट्री के, जैसे कि शेखर जी हो गए, ओम जी हो गए, राजपाल यादव, विजय शिर जी, हेमंत पांडे, तिकू तलसानिया, ये तो नाम मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने सारे कॉमेडियंस हैं इसमें, तो सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखने मिला है। टैग तो ये कि आप इतना स्ट्रेस है सबकी लाइफ में, आप थिएटर में आए हो हंसें, रिलीफ मिलना चाहिए हमारी फिल्म देखकर, और मैं सबको यही चाहता हूँ कि सबकी लाइफ में इतनी टेंशन है, जैसे हमारा ट्रैक लाइफ है बोरिंग, ज़रा मस्ती मजा लो, तो सब लोग एंटरटेनमेंट के साथ इसमें प्ले कर रहे हैं और पब्लिक हंसेगी, तो यही चाहता हूँ। ये तो आप ट्रेलर्स में देख ही रहे हैं कि मेरा किस तरह का किरदार है, सो मेरा बहुत ही चुलबुला इनोसेंट जैसी मैं हूँ, सो बेसिकली मैं लोगों को उल्लू बनाती हूँ, बेवकूफ़ बनाती हूँ बिकॉज ऑफ मेरे इनोसेंस फेस से, सो पता नहीं चलता कि मैं किसी को बेवकूफ़ बना रही हूँ, बाकी मेरा कैरेक्टर आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, सो मस्ट वॉच। यही है हमारे आर्टिस्टों की ज़िंदगी, कलाकारों की ज़िंदगी यही है कि जब भी मौका मिलता है, वक्त मिलता है, तक मिलती है, तब यही एनकेश करना होता है हमें, तब हमें वक्त और वो सब कुछ देखना नहीं होता है, बस अपने काम किए जाओ। और इन्होंने ये ग्रैब किया हुआ है, खैर हमने भी अपने वक्त पे हमने भी ग्रैब किया हुआ था ये चीज़, और बहुत ही अच्छा लगा। और अभी एक फिल्म हम लोग साथ में कर रहे हैं लेकिन वो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। देखिए आज के ज़माने में मॉल में समय बिताना ना लगभग एक व्यवसाय सा बन गया है और मेरे किरदार का व्यवसाय है मॉल में समय बिताना, तो मेरे जैसे कई सारे लोग लड़के आपको मिले होंगे मॉल में, आपने देखा होगा पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो फिल्म में जितने भी नहीं मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स कास्टिंग कर रहा हूँ स्टार स्पोर्ट्स के लिए, प्रो कबड्डी होस्ट करता या वर्ल्ड कप भी होस्ट किया, अभी थिएटर कर रहा हूँ, पंजाबी गुजराती फिल्में कर रहा हूँ, टीवी के लिए लिख रहा हूँ, तो हाँ मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे दोस्त मनोज की डायरेक्टर जो है, मनोज जी को मेरी शुभकामनाएं क्योंकि मनोज डायरेक्टर जो है काम करना शुरू किया है, अभी आईपीएल में भी एक आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है, एक खिलाड़ी को देखा बेचारा आउट हो गए, रोता हुआ मुझे मिला, मैंने कहा क्या हुआ, तो आप ही की फिल्म दिलवार के गाने में कहता है पवेलियन से निकल के मैदान में खेल के फर्स्ट बॉल में ही स्टंप उखड़ गया, सोचा छक्का देके सबको चौका दूंगा पर मैं खुद बाउंड्री से बाहर हो गया, जॉब है छूटा खाबू है टूटा किसकी लगी है बद्दुआ, मैं था खिलाड़ी गैरुआ अब हो गया हूँ बारुआ, मुझको पिला दो दारुआ वरना तो तय है तेरुआ। मैंने कहा शाहरुख के गाने में क्यों कह रहा है, एसआर के गाने में क्यों कह रहा है, उसी की टीम में था के हार, मैंने कहा के हार है, हाँ मेरे लिए तो हार ही है ना, भक्तजनों भावनाओं को समझो,
ARK आई लव यू, SRK आई लव यू। हाँ मतलब मैं लगभग एक महीना हो गया क्योंकि पिछले महीने वाहताज रिलीज हुई थी, अभी 11 तारीख को दो फिल्में एक साथ आ रही हैं और दिसंबर में एक और फिल्म आ रही है, सब मेन लीड में आ रही है, तो इतना दिन हो ही जाता है। किरदार है आपका? बहुत बढ़िया किरदार है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे हिंदी में और मैं सोच रहा हूँ आगे भी हिंदी में कंटिन्यू करूँ। तो दो नए कलाकार को लिया आपने मेन लीड? हाँ, जैसे कैरेक्टर की डिमांड थी और मनोज जी ने सोचा कि ये बैठ रहे कैरेक्टर में, बहुत अच्छा करेंगे उस हिसाब से। सर एक जो अनुष्का शर्मा ने मोहम्मद रफी के बारे में मजाक उड़ाया डायलॉग में, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि ना मैं टीवी देखता हूँ ना मैं फिल्म, तो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, और किसने किस रूप में कहा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब कान के कच्चे लोगों तक खबर जाती है ना तो उसके बाद बात का कुछ और बन जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे सर ने अभी कहा कि पता ही नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसी कुछ चीज़ घटी है और फिल्म भी देखी नहीं है, ट्रैवलिंग बहुत चल रही है मेरी तो मैं बिल्कुल बॉम्बे में टिकने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो जब देखेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ एक्चुअली हुआ है तो कुछ कह सकते हैं। कि कोई ढंग का काम करो, ये नहीं कर सकते कोई ढंग का काम करो, ये क्या एक के बाद एक फिल्म, तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है और फिर मुझे जैसे एक टिपिकल पत्नी है वैसा रोल है मेरा और पूरी साहब के साथ काम करने में, और जितने भी और इसमें आप देखो कितने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, संजय मिश्रा है। कॉमेडी है ये और एक की जगह की कहानी है, मनोज जी इसके डायरेक्टर हैं, वो बहुत पुराने मित्र हैं और आपको एक अलग तरीके की थॉट की एक प्यारी सी क्यूट सी आपको एक कॉमेडी देखने को मिलेगी और जिसका एक ब्यूटीफुल मीनिंग होगा, इससे ज़्यादा जितनी जानकारी मुझे फिल्म की है उतनी मैं आपको दे रहा हूँ। सर देखिए ये प्रश्न तो हमारे मन में बचपन से था, जब ये मैं उसका प्रचारक हूँ सर्वसंभाव पार्टी का, कि एक आदमी जब अभिनेता से राजनीति में जाता है तो ना नेता रह जाता है ना अभिनेता रह जाता है, और एक नेता जब आदमी बन जाता है तो ना नेता रह जाता है ना वो जनता का रह जाता है, तो ये चुनौती मैं बहुत विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। 2017 के UEP के चुनाव में सर्वसंभाव पार्टी का पूरी तरीके से प्रचार इस संगठन करूँगा, ये नया संगठन है, बड़ी ऊर्जा है इसमें और कोशिश करेंगे कि क्योंकि UP हमारी जन्मभूमि है उसमें कुछ ऐसा हो जिसमें उसका हित हो।